नमस्कार दोस्तों, एक्वा फिल्टर चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, स्टील का आरओ प्लांट है जो कि 2000 लीटर कैपेसिटी का है, और ये हमारी वाटर पाउच पैकिंग मशीन है जिसका पर आवर प्रोडक्शन 3500 पाउच एक घंटे में ये बना करके हमें देती है। अब इन दोनों प्लांट की आज पूरी विशेषता बताने जा रहा हूँ। ये प्लांट हमारा टॉप मॉडल का है जो कि 4,25,000 रुपये का आता है। स्टील का प्लांट हमारे पास जो है 3,50,000 से स्टार्ट है। तो इसकी वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि ये टॉप मॉडल प्लांट है और इसमें मैंने क्या क्या स्पेशल किया हुआ उसकी सारी विशेषताएं आपको बताऊंगा। साथ ही आज आपको एक नए अपने मेहमान से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए मैं आपको एक एक करके प्लांट की सारी विशेषताएं और साथ में आपको डिफरेंस भी बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके रॉ वाटर पंप से। इसमें रॉ वाटर पंप मैंने लो प्रेशर के लिए रॉ वाटर फीड पंप मैंने लगाया हुआ है। पीएनसी का 1.5 HP का हाई प्रेशर पंप है। आमतौर पे पंप आप देखते होंगे थोड़े स्मॉलर साइज़ के होते होंगे जो कि हम लोग सीआरआई वगैरह में लगा के देते हैं, ठीक है। और ये हमारी रही स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड की हाउसिंग। हाउसिंग की आप विड्थ देख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा इसका कंट्रोलर वाल्व लगा हुआ है। और अब आते हैं हम वेसल पर। तो वेसल ये हमारे इम्पोर्टेड हैं और बहुत ही हैवी ड्यूटी में है। शाइन आप देख सकते हैं, आपको कैमरामैन मोबाइल लिए हुए हैं दिख रहे हैं साफ साफ, और इसकी शाइन से आप ये पता कर सकते हैं कि इन्होंने वीडियो बनाई है, ठीक है। मल्टीपोर्ट हमारी इनिशिएटिव के वेरिएंट है जो कि 100% ओरिजिनल है और टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट है इंडिया में आज की डेट में। दूसरा सिलेंडर भी हमारा सेम वही वैरायटी का है। इन दोनों सिलेंडर्स में हम लोग सेडिमेंट और कार्बन डालते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं जो कि स्पेशल है, ये जम्बो हाउसिंग जो कि सबसे ज़्यादा हैवी क्वालिटी का है और आज तक का सबसे बड़ा 2000 लीटर में यूज़ किया जाने वाला जंबो हाउसिंग फिल्टर है। इसमें डबल एलिमेंट की जंबो हाउसिंग पड़ती है 20 इंच वाली। आप इसकी देख सकते हैं डायमेंशन और इसकी मस्कुलरिटी देख सकते हैं कितनी हैवी ड्यूटी हम लोगों ने इसमें लगा के रखी है। छोटा लगा देते तो भी हमारा काम चल सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हैवी ड्यूटी एक बार लगा दिया हमेशा के लिए फुर्सत है। इसके बाद में हम आ जाते हैं, ये हमारा लूबी का हाई प्रेशर पंप है जो कि 2x22 मॉडल है। हमारी वाटर लाइंस आपने देख ली, कंट्रोलर सारे देख लिए, सब कुछ देख लिया। ये हमारा इसका कंट्रोल पैनल है। ये हमारे एक्वा फिल्टर कंपनी की ब्रांडिंग है। ये हमारे प्रेशर गेज रहे और ये मेरा फ्लो मीटर रहा। फ्लो मीटर हमारा 4500 LPH तक का है। चाहते तो हम इसमें 3500 का भी लगा देते, लेकिन अच्छी चीज लगा के देते हैं जिससे हमें हमेशा एडवांटेज मिले। पैनल हमारा पूरा L&T कंपनी का है। SS की हमारी पूरी स्किड होती है, आपको कहीं पर भी वेल्डिंग के दाग नहीं मिलेंगे। इवन आप जज भी नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे वेल्डिंग इसमें हुई है और कहाँ नहीं हुई है। ये हमारी काम की खासियत है। अब हम आ जाते हैं पाउच पैकिंग मशीन पर। ये हमारी पाउच पैकिंग मशीन है जो कि कई वीडियोस में आपने हमारी मशीनों को देखा होगा। ये इसकी हमारी वाटर कंट्रोलर टैंक है जो कि मशीन को वाटर बैलेंस करने के काम आती है। ये हमारी पाउच मशीन एक घंटे में 3500 पाउच बना करके देती है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको मशीन की सारी डिस्क्रिप्शन समझ में आई होगी। प्लांट में आपने सारी डिटेल्स देख ली हैं। अब हम आपको इसमें कुछ चीज़ें बता दें। ये प्लांट हमारा स्पेशल ऑर्डर पे बना था जो कि हमारे खास कस्टमर हैं, उन्होंने कहा कि मुझे हैवी ड्यूटी में चाहिए और मुझे आप अच्छा प्लांट बना करके दीजिए। हमारे जो कस्टमर हैं वो बहुत ही जानकार हैं, कईयों जगह इन्होंने जानकारी की थी, बहुत से जगहों पे प्लांट भी देखा था, इन्होंने क्वालिटी परखी और हमारी चीज़ को इन्होंने अप्रूव किया और इन्होंने कहा कि हमें आपसे ये चीज़ लेनी है और आप हमें बना के दीजिए। तो आइए हम अपने ग्राहक से अबरार भाई से बातचीत करते हैं और उनका वेलकम करते हैं। आइए अबरार भाई। नमस्कार। हमने आपको जो ऑर्डर दिया था, जैसे पंप, इसमें रॉ वाटर पंप जो है, आपने हमने जो देखा था वो इससे हल्की क्वालिटी में था, लेकिन उसी रेट में आपने हमको हैवी क्वालिटी में दे दिया। और दूसरा ये जो इसको क्या बोलते हैं आप, ये हम लोग इसको प्रेशर सिलेंडर कहते हैं जिसमें कि जंबो हाउसिंग फिल्टर डाले जाते हैं। उसमें जो हमने देखा था वो इससे छोटे साइज में था और उसके जो है बोल्ट्स नीचे लगे हुए थे, और ये इजी भी है और उससे हैवी भी है। और आपने हमारे साथ जो मतलब किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हमारा ऑर्डर तो दूसरा था लेकिन आपने स्पेशल करके दे दिया हमें। हम चाहेंगे कि जो भी जो है लेना चाहते हैं प्लांट वो और कहीं ना जाकर के यहाँ लें, क्योंकि हमने दिल्ली भी चेक किया, हमने कानपुर भी चेक किया और हमें वहाँ पे सही चीज़ नहीं दिखी, तो इसलिए हम यहाँ पे लेकर आए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अबरार भाई आप कहाँ से हैं? हम डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर कस्बा हदगाम से हैं। ठीक है,
तो आपको हमारा प्लांट का रेट वगैरह कैसा लगा? रेट बहुत अच्छा है, रेट बहुत अच्छा अच्छा है। रेट। हाँ उम्मीद करते हैं कि अबरार भाई हमसे हमेशा संतुष्ट रहेंगे और हम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। पहली फीडबैक वीडियो इस वजह से बनवाई है ताकि मन में लोगों के आता है कि पता नहीं कैसा प्लांट देते होंगे, वीडियो तो बना दी है, क्वालिटी कैसी रहेगी। रेट के लिए बताइए, रेट आपको कैसा मिला? रेट हर जगह से अच्छा है, दिल्ली से भी अच्छा है, थैंक हमने यू सर। दिल्ली भी चेक किया, जी 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 दिल्ली से भी अच्छा है और क्वालिटी तो सुपर। तो सब कुछ आपने देख लिया है। इस प्लांट पे हमने इनको पूरी कंप्लीट 1 साल की वारंटी दी हुई है। और आपको एक फ्यूचर में एक चीज बता दें, ISI प्लांट कंपलसरी होने वाला है 2024 से। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि FRP RO प्लांट लगा करके हम पाउच का काम कर लेंगे तो कुछ दिन तक तो चल पाएगा, लेकिन आने वाले समय में पानी पे सख्ती को देखते हुए आपको ISI प्लांट यानी कि स्टील प्लांट इस टाइप से आपको लगाना पड़ेगा। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप प्लांट्स खरीदना चाहते हैं, RO प्लांट, पाउच पैकिंग मशीन या वाटर बॉटल प्लांट आप लगाना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल ना उठे तो व्हाट्सअप ज़रूर कर लें। हमारे बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं सिर्फ हमारे कस्टमर्स के लिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर बेस्ट चीज़ खरीदें और बेस्ट रेट पर खरीदें, जो कि दोनों चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। तो हमारा ऑफिस ट्रांसपोर्ट नगर जो है विजिट करें और हमसे संपर्क करें। कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।